हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मुझे परवल की सब्जी लगभग 5 मिनट में बनाकर तैयार करनी थी। सबसे पहले परवल को मैंने धो लिया अच्छी प्रकार से और इसको आज मैं मोटे तरीके से नहीं भूनूंगा, बल्कि इसका गोल गोल पतला पतला चकता काटकर इसे थोड़ी ही देर में मैं भूनकर तैयार कर लूंगा। तो परवल की भाजी भूनने के लिए मुझे किसी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस इसे अच्छी प्रकार से धो लीजिए। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा रूम है जिसमें मेरा एक छोटा सा किचन का मैंने सेटअप तैयार कर रखा है और इसी में मैं लगभग सारा काम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने परवल को अच्छी प्रकार से धोने के बाद उसे छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े में पतले पतले आकार में काट लिया है। आप हमारे सब्जी में हमेशा देखेंगे कि मैं परवल के स्किन को नहीं छीलता हूँ, क्योंकि मुझे परवल का स्किन छीलने के बाद परवल बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, क्योंकि परवल के स्किन के साथ ही मुझे परवल की सब्जी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, मैं जब परवल को अच्छी प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेता हूँ तो फिर मैं कढ़ाई में अच्छी प्रकार से तेल गर्म कर लेता हूँ। जब तेल अच्छी प्रकार से गर्म हो जाता है तो उसमें मैं थोड़ा सा पंचफोरन चटका लेता हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें पहले ही हल्दी और नमक डाल दें, ताकि आप जब परवल के टुकड़े को फ्राई करेंगे तो यह अच्छी प्रकार से कम समय में फ्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी तेल कम लिया है, क्योंकि ज़्यादा तेल खाना मुझे पसंद कभी कभी है, हमेशा नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने परवल को अब डालकर उसे अच्छी प्रकार से भून लूँगा और थोड़ी ही देर के बाद हमारा परवल का भाजी बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसे अलट पलट कर 5 मिनट तक पका सकते हैं, आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिस्पी और कुरकुरा खाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये परवल की भाजी की रेसिपी का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों यार को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यूस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। फिलहाल इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।